Very good morning, students. So today we are going to color this drawing, and we will use stippling method for the coloring. And in this drawing we need sketch colors for the coloring. तो यहाँ पर हम stippling method से complete करने वाले हैं. And stippling method में normal यही होता है कि हमें जो पूरी drawing है वो dots से पूरी भर देनी है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने ले लिया है नियॉन ग्रीन कलर, एंड ये है हमारा ड्राइंग. इस तरीके से हमें पूरा ये कलरिंग का पूरा कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर नियॉन ग्रीन, यहाँ पर आपको स्केच कलर्स का ही यूज करना है, अदर कलर्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर इस तरह से हमें छोटे छोटे डॉट्स करते जाने हैं कलरिंग का यूज करके. ये हमने पहले भी सीखा है ड्रॉइंग स्टीपलिंग का. लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक लिया था टेक्निक्स, जिसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड थे. क्रॉस था, हैचिंग था, देन स्टिपलिंग भी उसमें इंक्लूड था. तो आज वो हम मेथड यहाँ पर यूज करके कलरिंग कर रहे हैं. इसी तरह से सेम यहाँ पर भी हम कर देंगे बहुत सारे. यहाँ पर वैक्स, क्रेयॉन कलर्स या ऑयल पेस्टल का यूज बिल्कुल भी मत करना, स्केच कलर्स का ही यूज होगा. तो यहाँ पर इस तरह से कलरिंग करना है, बट यहाँ पर जो मेथड है कलरिंग करने का वो इस तरह से होगा, एंड इसे हम कहेंगे स्टिपलिंग मेथड. तो ये पोर्शन हुआ कंप्लीट. देन यहाँ पर जो ट्री है उस पर हम करेंगे सेम मेथड यूज करेंगे. देन आफ्टर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसका जो लुक आएगा ड्राइंग का वो एकदम डिफरेंट रहेगा. देन आफ्टर यहाँ पर जो ये पोर्शन है उसमें हम ये कलर करेंगे. तो इसी तरह से जो बाकी का पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर देंगे. एंड यहाँ पर कलरिंग दिया हुआ है, इस कलरिंग को आप बेस रख के स्केच कलर का यूज करके पूरा कंप्लीट करेंगे. सो हियर वी कैन सी ड्राइंग इज कंप्लीट. नाउ दिस इज द टाइम फॉर द आउटलाइन. सो यू कैन टेक ब्लैक स्केच कलर फॉर द आउटलाइन. देन ये जैसे हम आउटलाइन करेंगे तो ये हमने जो स्टिपलिंग मेथड किया है उसका जो लुक होगा वो एकदम अलग डिफरेंट आ जाएगा. तो आउटलाइन के लिए ब्लैक स्केच कलर, या तो फिर आपके पास स्केच पेन हो ब्लैक तो उसका भी यूज करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है.
यहाँ पर इस तरह से ब्लैक स्केच का यूज करके पूरी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। सो हियर वी कैन सी आर ड्राइंग इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आप स्टिपलिंग मेथड का यूज करके इस तरह से आपको जो ड्राइंग है वो कंप्लीट करनी है। एंड यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये जब स्टिपलिंग मेथड करोगे तो स्केच कलर्स का ही यूज करना है, अदर्स कलर्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में आपको आउटलाइन कर देनी है ब्लैक स्केच कलर से, तो हमारे यहाँ पर जो ड्राइंग है उसका एक लुक भी डिफरेंट आएगा। तो ये जो ड्राइंग है अपनी ड्राइंग बुक में आप कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।